चले इसमें अकोमोडेट कर लेते थे। किसी क्लाइंट को अगर पैसे लिए उन्होंने फी ले रहे हैं तो वो किसी काम के लिए इंस्पेक्शन के लिए फाइल की वो हमें कुछ पैसे दिलवा देते थे। ये सिस्टम तभी चलता है जब आप चेंबर में जाएंगे, जब आप चेंबर में नहीं जाएंगे तो प्रैक्टिस कैसे सीखेंगे आप। और मेरा ये भी इस बात पे यकीन है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी चेंबर में और 5 साल बाद जब आप उससे अलहदा होते हैं तो उस चेंबर की कम अज कम 30% लिटिगेशन आप अपने साथ लेकर जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, ताकि आप फारग नहीं बैठते। अब यहां हालत ये है, ये मेरा जाती तजर्बा है कि बहुत सारे ऐसे चेंबर हैं जिनकी अपनी प्रैक्टिस 1 से 2 साल है, उनके साथ 10 जो हैं जूनियर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो अपने डंडे सोटे तैयार कर रहे हैं और फिर वो उस 20-25 लोगों के साथ जाकर कोर्ट में जाते हैं। ना उस उस्ताद को कुछ पता होता है, ना उस जूनियर्स को कुछ पता होता है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट यही निकलेगा कि वो वहां गाली गलौज करेगा और लॉ की तो बात उसने करनी कोई नहीं। ये सारी चीजें जो हैं, इसके लिए आप सबको बैठकर सोचना होगा। हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपका कहीं ये नहीं है कि किसी जगह आप हम कहें कि हम आपके साथ नहीं है, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए कोई मैकेनिज्म आप बनाएं। सिर्फ ये ना कहें कि ये तकलीफें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, रास्ता बताएं कि किस तरह इसका हल ढूंढना है, इसको कैसे रिवाइव करना है इस सिस्टम को। और जब तक ये सिस्टम आप रिवाइव नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि ये सिस्टम दोबारा आगे प्रोलॉन्ग करेगा। ये इसी तरह वायलेंस फिर होती रहेगी, लेकिन उन वायलेंस को रोकने के लिए जुडिशरी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज इसीलिए कर रहे हैं। और रही बात कि आप क्या यहां के यहां हमारे लिए मिलने की बात, मेरे दरवाजे आपके वाइस चेयरमैन इस बात की जो है वो आपको विटनेस हैं कि आपने जितनी बार भी कोशिश की मिलने के लिए कहा, उतनी बार इनके वफद से मुलाकात हुई मेरी। और मैंने हर बात पे, फैसलाबाद के केस से लेकर मंडी बहाउद्दीन के केस तक, मैंने हर जगह पर इनके लिए जो भी इनकी राय है उनके साथ अपनी राय को भी शामिल किया कि किसी तरीके से इनको हालात को बेहतरी की तरफ लाया जाए। लेकिन ये हरगिज मुमकिन नहीं है कि इस जुडिशरी को इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। और आप इस बात का क्लेम करें कि हमने चूंकि जुडिशरी बहाल की, बहाल करने के बाद आपने खुद हमले शुरू कर दिए करने, ये कहां का असूल है? ये बात आपको सोचनी चाहिए इस बात पर। बाकी मैं आपसे इस बात पे जो वाइस चेयरमैन और पंजाब बार काउंसिल ने जो एक्शन एक्ट किए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि बड़ी अच्छी इनकी सोच है, बड़े अच्छे इनोवेशन है, बड़ी अच्छी इन्होंने इंप्रूवमेंट की है, और मैं इस बात पर इन सबको मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।